आज का जो वीडियो है ये आप ही के क्वेश्चंस में से उठा करके मैं बना रहा हूँ। मैक्सिमम जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको जो छोटी छोटी बातें हैं ना पंच की, वो पता चलने वाली हैं। मीन्स दो या तीन चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। बेसिक जो गाड़ी चलाते समय परेशानियां आती हैं या आ रही हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। हाँ तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ का आपने क्या ध्यान रखना है, जब आप अपनी गाड़ी में आते हैं और इग्निशन स्टार्ट करते हैं ना, तो जो यहाँ पे आपको ये टैकोमीटर और स्पीडोमीटर में जो ये सुइयाँ दिख रही हैं इनकी, तो ये ट्रेवल करती हैं और लास्ट तक जाके वापस अपनी जगह पे वापस आती हैं। तो इसको ट्रेवल करके वापस आने देना है, मीन्स कुछ समय आपने वेट करना है। तो इस समय में जो है ना फ्यूल पम्प भी चालू होता है, तो वो सब प्रोसेस होती है, इसके ECU अपने काम करता है। तो आपने इसको जो सुइयाँ हैं इनको ट्रैवल करने देना है और वापस अपनी जगह पे आने देना है। मैंने एक वीडियो में पहले भी ये बताया हुआ है, तो दोबारा से मैं इसको आज बता रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, आपके इंजन पे जो है एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा, पहली चीज़। अब हम बात करते हैं जो मैक्सिमम जो लोगों को परेशानी आ रही है ना, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि भैया आप हमें ये बताइए कि आपकी गाड़ी का गियर फंसता है। ये पंच के लिए ही नहीं, किसी भी गाड़ी के लिए ये बात हो सकती है कि क्या गाड़ी का गियर फंसता है। तो मेरा आंसर है भैया, मेरा गाड़ी का गियर नहीं फंसता है। क्यों नहीं फंसता है, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। जब आप गाड़ी का गियर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि क्लच को आपने पूरी तरीके से, ये जो क्लच है ना आपका, ये पूरा दबा होना चाहिए, बिल्कुल भी आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपका क्लच हाफ दबा होगा ना, तो उसमें भी खर्र की आवाज़ आती है। तो आप ट्राई कर लीजिएगा, जिन भी भाइयों को ये परेशानी आ रही है कि उनका जो गियर है वो जब गियर शिफ्ट करते हैं, गियर शिफ्ट करने में वो लगता है या आवाज़ करता है, तो क्लच पूरा दबा के देखिए, तो ये आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और मीन्स मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही है, कुछ जैसे नए नए में हो जाती है ऐसी परेशानी। मीन बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा होते रहा, तो फिर गियर बॉक्स में परेशानी उसमें आती है, उसके जो कांटे वगैरह है ना वो कटने या घिसने जो भी आप कहें, तो वो परेशानी उसमें आती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या है ना, क्लच को पूरा ही दबाना है, तब आपने गियर शिफ्ट करना है, ठीक है। और गियर बॉक्स को हेल्दी रखने के लिए आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्लच पूरा प्रेस कर दिया, अब मेरे को गियर डालना है, ये मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया, तो आप एक चीज़ देखिए, अब जब मैं फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ ना, मैं ये न्यूट्रल की पोजिशन में था, मैं यहाँ से यहाँ आया, मैं होल्ड किया और डाला, मीन्स अचानक से जल्दीबाजी में, मतलब ऐसा ऐसा नहीं करना है, समझ रहे ना, धीरे से प्यार से, ठीक है। तो आपने जो गियर वगैरह डालने हैं प्यार से डालने हैं, और क्लच उसमें पूरा दबाना है, और इसमें जोर बिल्कुल ऐसे, मतलब ताकत नहीं लगानी, प्यार से, हर प्यार से गियर पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई भी गाड़ी का आप गियर डालेंगे ना, बहुत प्यार से उसमें पड़ जाता है। तो सिर्फ ये है कि एक टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को करने की, उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर आपने अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो काफ़ी लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि गाड़ी आवाज़ करती है गियर शिफ्ट करते समय, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम सभी लोगों को पता होंगी ये सब चीज़ें, लेकिन जल्दीबाजी में कभी कभी फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़, मैंने भी बताया था शुरू में कि पंच के ब्रेक जो है कि हार्ड हैं। हाँ, ब्रेक वाकई में पंच के हार्ड हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है ना कि ब्रेक्स मतलब अच्छे से पकड़ते नहीं हैं, ब्रेक अच्छे से लगते नहीं हैं, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन क्या है, देखिए आप कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं, पंच की ही बात नहीं करते हम, बात करते हैं किसी भी गाड़ी की, आप मैक्सिमम मीन्स आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आप डायरेक्टली अगर ब्रेक्स अप्लाई करके गाड़ी को रोकने की कोशिश करोगे, तो ब्रेक्स उतने अच्छे से नहीं पकड़ते हैं। मैंने कई काफ़ी गाड़ियां चलाई हुई हैं, मीन्स यही नहीं, इसके अलावा इससे छोटी गाड़ियां भी, बड़ी गाड़ी भी, तो इस सेगमेंट की गाड़ी, इससे थोड़ा बड़े सेगमेंट की गाड़ी, तो गाड़ी आपकी कोई भी हो, इससे छोटे सेगमेंट की गाड़ी, गाड़ी कैसी भी हो, कोई भी हो, जब भी आप स्पीड में चल रहे हैं ना, तो अगर आपको गियर, आपको लगता है कि आपने ब्रेक क्या करना है, मारना है, तो ब्रेक आप हल्का सा अप्लाई करके, आप क्लच दबा करके आप गियर को आप डाउन कीजिए। अगर आप चौथे पांचवे तीसरे गियर में चल रहे हैं, तो गियर को आप डाउन कीजिए, तब जाके आप ब्रेक अप्लाई कीजिए, देखिए कितने बढ़िया आपके ब्रेक आते हैं। और ब्रेकिंग का यही सिस्टम रहता है, आपने हाई गियर पे अगर ब्रेक मारोगे, तो ब्रेक उतनी अच्छे से नहीं पकड़ेंगे, आप ट्राई कर लीजिएगा।
और उसी को आप हल्का सा क्लच दबा के गियर डाउन करते हुए अगर साथ साथ में ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें क्या है कि आपके ब्रेक गाड़ी के अच्छे पकड़ते हैं। तो जिनको ब्रेक के रिगार्डिंग और ये गियर के रिगार्डिंग समस्या हो रही थी, तो उनके लिए ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया। तो दो तीन चीज़ें मैंने इसमें बताई। पहली चीज़, आपने इसका ध्यान रखना है जो इनकी सुइयाँ हैं उनको पूरा ट्रेवल करने देना है। दूसरा, जब आप गियर आप डाल रहे हैं तो क्लच जो है कि आपने पूरा दबाना है, और जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा इसमें इनको रेस्ट भी देना है। मैं डायरेक्टली आपने ऐसे शिफ्ट नहीं कर देना है फटाफट में। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी और आप अप्लाई भी करेंगे इन सब चीज़ों को। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो इसको यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।